अगर आप चाहें। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज का जो मेरा वीडियो होगा ना वो बालों के ऊपर होगा कि बाल काला कैसे करें, बाल घना कैसे करें, बाल लंबा कैसे करें, बाल जिसे गुच्छे के गुच्छे निकल रहे हैं वो क्या करें कि ऐसा ना हो। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने आपको बताया है, कई बार बता रही हूँ, आज फिर बता रही हूँ कि इसके लिए अच्छा खाना बहुत ज़रूरी है। पेट से सब कुछ अच्छा पेट में जाएगा, हरा भरा सारे सीड्स, बीज, अलसी, सब कुछ। जब तक अलसी है, मूंगफली है, सारे जैसे खरबूजा के बीज है, तरबूज, वाटरमेलन, ये सब चीज़ें नहीं जाएंगी तो बाल आपके झड़ना बंद नहीं होंगे। वो हो भी सकते हैं क्योंकि जब बालों में सब कुछ किया जाता है ना, जो नहीं कर पाते वो उनके लिए। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो ये क्या है, इसे तो सभी जान रहे होंगे और कोई भी ये नहीं कह सकता कि ये नेचुरल चीज़ नहीं है, या नेचुरल है तो ये बालों के लिए, स्किन के लिए, पेट के लिए फ़ायदा नहीं करता है, ऐसा तो कोई सुनने में भी नहीं आया होगा। ठीक है, तो इसकी मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ एलोवेरा के। एलोवेरा बाल चाहे जितने डैमेज हो चुके हैं, बाल झड़ रहे हैं, आप फटाक से तोड़िए, मिक्सी में पीसिए, कुछ मिलाइए या ना मिलाइए, फटाक से अपने बालों में इसको लगा लीजिए, आधे एक घंटे के लिए छोड़ दीजिए, बाल धो लीजिएगा, बालों का एकदम देखते ही बनेगा कि बाल जैसे लगता है कि कंडीशनर करें हैं। मैं कंडीशनर वशनर कभी नहीं करती हूँ, कोई ज़रूरत नहीं दोस्तों, क्या ज़रूरत है। ठीक है, तो आज मैं आपको एलोवेरा में क्या डाल के बता रही हूँ। पीसना है ये दोस्तों, देखिए पीस गया है, इसको पीस लीजिए बारीक, लेकिन आपको छानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप छान लेंगे ना तो जिसके तार है ना वो तार इसके टूट जाएंगे, जब पीसेंगे तो इसके तार टूट जाएंगे, छनने से सारे निकल जाएंगे, आपको लगाते भी बनेगा, आपसे छुड़ाते भी बनेगा ना, नहीं तो नहर ना लगा पाएंगे और छुड़ाने में काफ़ी पानी आपका खराब होगा। तो इसलिए ये प्रोसेस बहुत ज़रूरी है कि पीसिए और छानिए, बहुत ही बढ़िया ये काम करता है। अब मैं इसमें पहली चीज़ डालूंगी आंवला। आंवला तो आप जानते हैं कि बालों को नेचुरल ही एकदम काला करता है आंवला। ठीक है, आंवला का कोई तोड़ नहीं। अगर अकेले ही आंवला आप जो है बच्चों को लगाते हैं तो सोच लीजिए, अगर अपने भी लगाते हैं, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। तो आंवला ही इतना ज़्यादा इसका है पूरी पृथ्वी पर, इससे ज़्यादा बालों के लिए, आपकी स्किन के लिए, आपके हेल्थ के लिए कोई चीज़ इतना फ़ायदा नहीं कर सकता जितना कि आंवला और आंवला का जूस। इसको तो अपने लाइफ में चाहे किसी भी प्रकार से आप इसको शामिल करिए ही करिए। तो ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा डालूंगी मैं आंवला पाउडर। ये आंवला पाउडर ले लीजिए, ये इस तरह की डिब्बियाँ सब मंगा लीजिए, बहुत ज़्यादा काम आती हैं एकदम, मतलब ये नहीं कोई शक होता है, कोई डाउट नहीं होता है कि ये सही है कि नहीं सही है। दूसरा चीज़ दोस्तों मैं इसमें डालूंगी सीकाकाई। सीकाकाई का काम आप जानते हैं क्या होता है, बालों को अगर लंबा करना चाहते हैं तो आप कोई चीज़ यूज करें चाहे ना करें, लेकिन सीकाकाई का पीछा करिए आप, हर चीज़ मिला मिला के लगाइए, आप कुछ ही दिन बाद आप देखेंगे कि कमाल का रिजल्ट आया है। ये डाल देती हूँ सीकाकाई थोड़ा सा। ठीक है, बाल लंबे ये सीकाकाई करता है। अब इसमें तीसरी चीज़ मैं डालूंगी दोस्तों, जो बालों के लिए हेल्थ एकदम हेल्दी है, बालों को हेल्दी रखता है, और इसका इसके बगैर तो बालों में मतलब हर चीज़ लगाना अधूरा लगता है, वो है मेथी दाना। मेथी दाना कमाल का काम करता है आपके बालों में। इसलिए ये जानते हैं हम पाउडर घर पे बनाते हैं तो उतना बारीक नहीं बनता है, बाहर से मंगा लीजिए, एकदम पाउडर काफ़ी बारीक पाउडर बनता है ये मेथी दाना, तो इसको आप ज़रूर लीजिए, बहुत ही कमाल का रिजल्ट होता है। अब मैं थोड़ा सा इसमें डालूंगी इंडिको पाउडर, जिसकी कि मैं आपसे इतनी तारीफ कर रही हूं, तो थोड़ा सा मैं इंडिको पाउडर इसमें डाले दे रही हूं बाल काला करने के लिए। ये मैं अपनी बेटी के लिए बना रही हूं, मैं भी लगा सकती हूं लेकिन इस समय मैं उसके लिए बना रही हूं, तो ये थोड़ा सा इंडिको पाउडर इसमें डाल दीजिए, बहुत कमाल का। इस तरह से बनाइए और लगाइए, आप कुछ ही दिन बाद देखेंगे कि आपके बालों का जो है ना कायाकल्प कर देंगे ये सब चीज़ें दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा ये सब चीज़ें फायदा करती हैं। अब इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा भृंगराज पाउडर। भृंगराज तो जानते हैं बालों को काला करने के लिए भृंगराज जाना जाता है, बालों को काला हेल्दी, तो इसलिए भृंगराज पाउडर आप ज़रूर अपने पास रखिए, जब भी बालों में कुछ लगाइए तो भृंगराज पाउडर आप ज़रूर इसमें डालिए, तो बहुत ही अच्छा है, बालों के लिए कमाल का काम करता है भृंगराज पाउडर। अब मैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ डालने जा रही हूँ, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो है दोस्तों जटामानसी पाउडर।
जटामानसी का थोड़ा नाम से आप समझ रहे होंगे, जैसे नहीं जटाएं होती हैं बाबा लोगों के, उसी तरह से ये पेड़ होता है इसका। इससे क्या है, बालों बाल काले बहुत ज़्यादा होते हैं और बाल हेल्दी बहुत ज़्यादा होते हैं, बालों में बहुत ही ज़्यादा एक रौनक आती है। ये जटामानसी पाउडर डालने से, इतना नहीं डालूंगी मैं, दिखा रही हूँ मैं, इसमें थोड़ा सा ही जटामानसी पाउडर मैं इसमें डालूंगी। तो बस ये हो गया कंप्लीट। तो ठीक है, आप इसको मिला लीजिए, मिलाने के बाद आप इसको अपने बालों में लगा लीजिए। और चाहें आप, अगर आप चाहें तो आप इसको लोहे की कढ़ाई में आप रात भर के लिए भिगो दीजिए, तो उसका जो आयरन है वो छूट जाएगा, तो और भी ज़्यादा बालों के लिए हेल्दी हो जाएगा। तो मैं तो आपको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। दोस्तों, नेचुरल चीज़ों का फ़ायदा मैं आपको दिखाती हूँ कि ये जो बाल है मेरे, ये मेरे थोड़े पुरानी क्लिप मैंने लगाई हैं, जो अभी के बाल हैं वो देखिएगा कि नेचुरल चीज़ें, एलोवेरा और ये सारी चीज़ें लगा लगा के मैंने बाल अपने कितने लंबे कर लिए हैं और कितने घने कर लिए हैं। इस बाल को इसमें देखिए, मेरे बाल छोटे हैं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे बाल छोटे हैं। अब यहाँ देखिए, ये मैं ही हूँ और मेरे बाल ही हैं। ये अभी की वीडियो है, अभी के मतलब मैंने बनाया है कल, देखिए मेरे बाल कितने घने और लंबे हो गए हैं। और इसी तरह से